अभी अभी एल्विश केस में एक और बड़ा अपडेट आया है, जहाँ पे पुलिस ने जो राहुल है, जो सपेरो का मतलब जो भी उसको बोलते हैं, उनको अरेस्ट किया था। उसमें उन्होंने एल्विश का नाम लिया है कि एल्विश भी हमारे साथ मिला हुआ था, लेकिन उन्होंने पहले ही ये बोला था कि एल्विश उनके साथ नहीं मिला हुआ है, एल्विश का नाम खमंगा घसीटा जा रहा है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि एल्विश को फंसाने के लिए साजिश कर रही है पुलिस या क्या कर रही है कि एल्विश को किसी ना किसी तरीके से घेरे में लाने की कोशिश कर रही है। अब उसमें उनकी बहन ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि एल्विश को हम नहीं जानते हैं, एल्विश का हमसे कोई लेना देना नहीं है, और उनकी जो बहन है राहुल की, वो भी सपेरो का लेन देन करती हैं जो भी होता है। तो अब एल्विश फैंस इस चीज़ पे भड़क रहे हैं कि हर जगह न्यूज़ चैनल्स पे एल्विश का नाम उछाला जा रहा है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एल्विश ने साफ सफाई दे दी है कि भाई मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं हर तरीके से कॉपरेट करने के लिए रेडी हूँ, पुलिस मेरे को अगर बुलाएगी तो मैं पूछताछ के लिए भी जाऊंगा, और अगर पुलिस कोई एक्शन लेगी तो मैं उसके खिलाफ काउंटर अटैक जो भी होता है वो करेंगे। लेकिन बात घूम फिर के यही आती है कि ये केस बहुत लंबा खींच रहा है, अब प्रशासन की तरफ से देरी हो रही है या फिर पुलिस वाले एल्विश के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं, वो हमको नहीं मालूम। फैंस भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है जो केस इतना लंबा खींच रहा है। लेकिन हाँ, इतना तो क्लियर है कि एल्विश निर्दोष हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से डेली व्लॉग्स डालते हैं, लोगों को अपडेट दे रहे हैं और हर एक आरोप पर अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि हाँ, एल्विश निर्दोष है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए।